नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी और आप देख रहे हैं आज तक भारत। रणदीप हुड्डा की मोस्ट अवेटेड फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर की रिलीज का लोगों को बेसब्री से इंतजार है। इस फिल्म की पूरी स्टार कास्ट जोरों शोरों से फिल्म के प्रमोशन में लगी हुई है। दूसरी ओर रणदीप हुड्डा इन दिनों अपनी डायरेक्शन डेब्यू को लेकर भी सुर्खियों में बने हुए हैं। एक्टर ने फिल्म स्वतंत्रता वीर सावरकर में अभिनय के साथ साथ डायरेक्शन भी किया है। इस फिल्म में अंकिता लोखंडे भी दमदार किरदार में नजर आने वाली है। फिल्म स्वतंत्रता वीर सावरकर भारत के स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर के जीवन पर आधारित है। बॉलीवुड के टैलेंटेड एक्टर रणदीप हुड्डा ने इस फिल्म का निर्देशन किया है। रणदीप इस फिल्म में सावरकर की भूमिका निभा रहे हैं, जबकि एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे सावरकर की पत्नी यमुना बाई की भूमिका में नजर आने वाली हैं। रणदीप की ये फिल्म 22 मार्च 2024 को थिएटर में रिलीज होगी। हाल ही में इस फिल्म के प्रमोशन इवेंट के दौरान अंकिता लोखंडे ने बताया कि रणदीप हुड्डा यमुना बाई के किरदार के लिए उन्हें कास्ट नहीं करना चाहते थे। जी हाँ, अंकिता लोखंडे ने रणदीप के साथ उनकी मुलाकात को याद करते हुए कहा, रणदीप ने मुझसे कहा कि मुझे नहीं लगता कि मैं इस फिल्म के लिए तुम्हें कास्ट कर पाऊंगा। उनकी बात सुनकर मैं दंग रह गई। मैंने उन्हें कहा कि आप प्लीज़ ऐसा मत कहिए, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि तुम इस किरदार के लिए कुछ ज़्यादा ही सुंदर हो। अच्छी बात यह है कि आखिरकार वो मान गए। रणदीप ने इस फिल्म के लिए बहुत रिसर्च की है। उन्हें शूटिंग के समय पता था कि वो फिल्म में क्या चाहते हैं। उन्हें यमुना बाई सावरकर के बारे में भी पूरी जानकारी थी, उन्हें सब कुछ पता था। यमुना बाई सावरकर का किरदार लोगों के सामने किस तरह से पेश करना है, ये सब उन्हें पता था, इसलिए मेरा काम आसान हो गया था। स्वतंत्रता वीर सावरकर विनायक दामोदर सावरकर की बायोपिक है। वो एक क्रांतिकारी, समाज सुधारक और राजनेता थे, जिनका रोल रणदीप हुड्डा निभाते हुए नजर आएंगे। वहीं रणदीप हुड्डा और अंकिता लोखंडे के अलावा इस फिल्म में अमित सियाल समेत कई कलाकार मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। ये फिल्म 22 मार्च 2024 को दो भाषाओं हिंदी और मराठी में सिनेमा घरों में रिलीज होगी। बात करें अंकिता की तो बिग बॉस 17 की सफलता के बाद अंकिता लोखंडे फिर एक बार बड़े पर्दे पर अपनी वापसी करने जा रही। स्वतंत्रता वीर सावरकर को अंकिता की कमबैक फिल्म कहा जा रहा है। रणदीप और अंकिता दोनों ही पूरे देश भर में इस फिल्म का खूब प्रमोशन कर रहे हैं। हाल ही में रणदीप हुड्डा और अंकिता लोखंडे ने पुणे के फिग्यूर्सन कॉलेज हॉस्टल में विनायक दामोदर सावरकर के कमरे में कुछ समय भी बिताया। आपको बता दें कि हिंदी के साथ साथ फिल्म स्वतंत्रता वीर सावरकर मराठी में भी रिलीज होने वाली है। ये तो थी खबरों की बात, लेकिन वीडियो के एंड में मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। आज आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से हमारे 10,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, और ये सब आपके प्यार और सपोर्ट के बदौलत ही हो पाया है। लेकिन हम आपसे और प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है, ताकि हम आप तक देश दुनिया से जुड़ी हर खबर को आप तक पहुँचा सकें। और आपका प्यार और सपोर्ट जब मिलता है तो हमारे हौसले भी बुलंद होते हैं, और इसलिए अपना प्यार और सपोर्ट हमारे चैनल आज तक भारत पर और ज़्यादा बनाए रखिए, हमें अच्छा लगता है।